तो बेटा आज आपका टॉपिक है डायपोल मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर भी ठीक है तो डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा पहली बात तो डायपोल मोमेंट हमें एक्सप्लेन करता है एक मोलिक्यूल की पोलैरिटी को इट एक्सप्लेन पोलैरिटी ऑफ ए मोलिक्यूल अगर आपको किसी भी मोलिक्यूल की बेटा पोलैरिटी डिस्कस करनी है तो वी हैव टू नो डायपोल मोमेंट अगर आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू है जीरो अगर मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो पोलर मोलिक्यूल नॉन पोलर मोलिक्यूल जो होते हैं ये प्योर कोवेलेंट होते हैं प्योर कोवेलेंट होते हैं दिज आर प्योर कोवेलेंट और जो पोलर मोलिक्यूल होते हैं इनमें आइनिक करेक्टर होता है दे हैव आइनिक कैरेक्टर और जो डायपोल मोमेंट होता है आपका दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी इसके अगर हम डायरेक्शन की बात करें डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव ये इसकी क्या होती है बेटा डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट एंड इट्स कैलकुलेशन एंड इट्स कैलकुलेशन भी इसको कैलकुलेट कर कैसे किया जाता है फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इट्स कैलकुलेशन तो देखिए बेटा डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू क्यों होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डी सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल क्यू क्या यहाँ पे मैग्निट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बेटा और बच्चे डी क्या होता है सेपरेशन बिटवीन चार्जेज सेपरेशन बिटवीन चार्जेज जो दो तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं उनके बीच में जो सेपरेशन होता है सेपरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं डी अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है डायपर मोमेंट की यूनिट होती है बेटा डिबाई डिबाई डिनोटेड बाय डी डिनोटेड बाय डी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं बेटा इस पे हाउ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल में जनरली पूछा जाता है सेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर भाई अगर डायपोल मोमेंट ग्रेटर जीरो आता है तो बेटा कितने परसेंट वो आइनिक है थर्टी है फोर्टी है फिफ्टी है सिक्सटी है कितने परसेंट बेटा वो आइनिक रहेगा तो इसको बोलेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ आइनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चे ऊपर निकालेंगे बेटा डायपोल मोमेंट ऑब्जर्ड ऑब्जर्ड डायपोल मोमेंट

और जो थोरिटिकल डेवलपमेंट है ये हम कैलकुलेट करते हैं एजू एजूमिंग द मोलिक्यूल ये कैलकुलेट किया जाता है एजूमिंग मोलिक्यूल मोलिक्यूल प्योर आयनिक इसके अकॉर्डिंगली मोलिक्यूल को प्योर आयनिक मान लिया जाता है जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो प्योरली आयनिक है ये मान के हम क्वेश्चन करते हैं ठीक है अब इसको क्वेश्चन देता हूं उसको देखिए इसमें एक दो चीजों का ध्यान और रखना बेटा आपको न्यूमेरिकल करने से पहले जैसे जो चार्ज होता है मान लीजिए मेरे पास है ए बी ए बी एक मोलिक्यूल कोई भी मैं इसको पहले डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं ए बी एक मोलिक्यूल है इसको अगर आप हंड्रेड परसेंट आइनिक मान रहे हैं तो ए होगा पॉजिटिव और बी पे होगा नेगेटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है और दूसरे वाले ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो चार्ज क्या लेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या लेंगे 1.6 10 की पावर माइनस -19 कूलम ठीक है ये चार्ज की वैल्यू होगी या तो चार्ज इसमें लेंगे या फिर चार्ज की वैल्यू एक और ले सकते हो आप ले सकते हो 4.8 10 की पावर माइनस -10 ये होती है बेटा ईएसयू इलेक्ट्रॉन स्टेट यूनिट की फॉर्म में तो आपके पास ये दो वैल्यू चार्ज की अगर इलेक्ट्रॉन मान लिए दो हैं टू पॉजिटिव है तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है अगर थ्री पॉजिटिव थ्री नेगेटिव है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मान रहे हैं प्योर आयनिक तो दो चार्ज की वैल्यू हो सकती है कूलम में लेंगे बेटा ये होगी ईएसयू में लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू होगी अब बात आई डी की सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल जो डी होता है जनरली डी या तो हम निकालते हैं एंग में डी जो हमें दिया होता है जनरली डी हमें दिया होता है जनरली इन एंगस्ट्रोंग आपको पता वन एंगस्ट्रॉ क्या होता है टेन की पावर माइनस टेन मीटर और टेन की पावर माइनस एट सेंटीमीटर टेन की पावर माइनस एट सेंटीमीटर ठीक है तो हम दो टाइप की यूनिट यूज करते हैं इसमें डिबाई को डिबाई को हम या तो लिखते हैं किसमें कूलम मीटर में या तो हम डिबाई को लिखते हैं कुलम मीटर में वन डी बाई की वैल्यू क्या होगी अगर कूलम मीटर में लिखेंगे मीन्स चार्ज को लेंगे बेटा आप कुलम में डिस्टेंस को लेंगे अगर आप मीटर में तो की की वैल्यू क्या बनेगी बनेगी बेटा ये पावर माइनस थर्टी कूलम मीटर अगर आप इसको कूलम मीटर में ले रहे हैं मीन चार्ज को आपने कूलम में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को आप मीटर में ले रहे हैं अगर आप यूज कर रहे हैं चार्ज को ई में एस यू और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में तो इसकी वैल्यू होगी टेन की पावर माइनस एटीन ई एस यू सेंटीमीटर तो ये डिबाई की दो वैल्यू है तो ये 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 वाली वाली और बेटा एक ये वाली। अब इनको क्वेश्चन में मैंने कैसे यूज करना ध्यान से देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक कि सपोज कीजिए क्वेश्चन में मैंने आपको दिया फोर फोर एच सी एल मोलिक्यूल फोर एच सी एल या एच एफ एच बी आर कुछ भी दे सकते हैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एच बी आर ले लिया की। HBR molecule, आपको एच बी आर मोलिक्यूल दिया गया सेपरेशन आपको दे दिया बेटा इन्होंने बिटवीन पार्टिकल दे दिया जीरो पॉइंट नाइन टू एंग स्ट्रॉग्यू दे दिया आपको एंड एंड डायपोल मोमेंट एंड डायपोल मोमेंट मोमेंट ऑफ वन पॉइंट सेवन एट डे बाट कैलक्यूलेट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ये हमें निकालना बेटा कि परसेंटेज ऑफ फाइनी करेक्टर कैसे निकालेंगे अब हमें पता जो गिवन होता है वो होता है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू टू हंड्रेड ये होता है आपका परसेंटेज आइनिक करेक्टर का फॉर्मूला ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड अब देखिए जो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व है वो हमें दिया मिलेगा वो हमें देर का कितना वन सेवन एट डिबाई अपोन ये हमें निकालना पड़ेगा क्यों इंटू डी करके इन हंड्रेड यहां तक क्लियर है बेटा पॉइंट ये यह? यहां तक क्लियर है बेटा जो हमें yes, ये डायपोल मोमेंट बेटा क्या हमें दिस इज गिवन तो इसको ऑब्जर्व मानेंगे बेटा तो वन पॉइंट सेवन एट डिवाइड बाई चार्ज अब देखो एच एच बी आर को ऐसे लिख के देखिए एच पॉजिटिव बी आर वन नेगेटिव तो इनमें कितने इलेक्ट्रोन का ट्रांसफर यहाँ पे वन का या टू का तो वन इलेक्ट्रॉन का. वन का अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने लेना है आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई एस यू में ले सकते हो चाहो आप कूलम में मान लीजिए मैंने ले लिया ई एसयू में सपोज कीजिए मैंने लिया फोर पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस टेन ये तो ले लिया चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वन को करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं डिस्टेंस डिस्टेंस आपको किस में दी है एंग में एंग में गिवन ऊपर ये दी. अब ई एस यू के साथ मैं लेता हूं सेंटीमीटर तो जीरो पॉइंट नाइन टू था सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा टेन की पावर माइनस एट ये नीचे लिया मैंने इसको लिया ई एस यू में इसको लिया सेंटीमीटर में तो ई एस यू सेंटीमीटर की टर्म में वन डे बाय की वैल्यू क्या होती बेटा ई सेंटीमीटर की टर्म में वन डे बाय की वैल्यू तो 18 तो आप यहां पुट कर देंगे into 10 की पावर 18 से. क्या यहां तक क्लियर है कोई दिक्कत नहीं into 100. तो इसको सोल करके सोल्व आपकी जो वैल्यू आएगी that will be approximately इसके वैल्यू निकलेगी सोल्व करने के बाद तो आपकी एक वैल्यू होगी आपके पास चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक कर देंगे दिस इज परसेंटेज ऑफ आइनिक करेक्टर इन एनी केस आपको ये पूछ ले साथ में, कि परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आप एक्सप्लेन कीजिए परसेंटेज ऑफ़ कोवेलेंट क्या होने वाला है तो आप क्या बोलेंगे सर परसेंटेज क्या निकलेगा हंड्रेड माइनस फोर्टी पॉइंट फोर दिस परसेंट ये रह जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज बात समझ आई बेटा क्लियर बच्चे पॉइंट ये ठीक okay, है तो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको परसेंटेज ऑफ फाइनिक फाइनिकेक्टर निकालने के लिए फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा इसमें आपको ये चीजें ध्यान जरूर रखनी है कि चार्ज आप क्या ले रहे हो और डिस्टेंस आप किस में ले रहे हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें डिबाई की यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा डिबाई में तो उसको या तो कूलर मीटर में चेंज करेंगे या सेंटीमीटर में तो जनरली हम ई एस यू सेंटीमीटर में लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक कंप्लीट वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस एटीन सोल्व करना थोड़ा इजी रहता है इसको तो सोल्व करके हमारा आंसर हम निकाल देंगे यहां तक क्लियर बेटा पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है बच्चे नो सर ओके अब क्वेश्चन कुछ आते हैं इस पे कि कुछ मोलिक्यूल जो लीनियर होते हैं जैसे कुछ मोलिक्यूल लीनियर मोलिक्यूल जो होते हैं लीनियर मोलिक्यूल मोलिक्यूल जो ए बी टू टाइप मोलिक्यूल होते हैं ए बी टू टाइप मीन्स सेंटर में एक एलिमेंट है दो टर्मिनल एटम है जैसे बी ए, सी एल टू ये हो गया सी ओ टू इस टाइप के मोलिक्यूल हो गए कंडीशन यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता बेटा नो लोन पेयर नो लोन पेयर इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता ए बी टू टाइप के लिनियर मोलिक्यूल होते हैं तो उनका डायपोल मोमेंट देखिए अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई लो टू हाई लो टू हाई तो यहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो पर भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो तो ये क्या बनेंगे दोनों के दोनों नॉन पोलर मोलिक्यूल कैसे बनेंगे बेटा नॉन पोलर प्योर कोविलेंट मोलिक्यूल बोलते हैं इनको नॉन पोलर मोलिक्यूल क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है बेटा जीरो आ रहा है क्लियर है बेटा पॉइंट ये बात समझ आई ठीक है बेटा क्लियर पॉइंट यस yes, सर अब हमारे पास कुछ इस के टाइप के मोलिक्यूल भी आ सकते हैं ए बी टू टाइप मोलिक्यूल है बट यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर दे हैव है बट उनके पास लोन उन पेयर जैसे एस ओ टू ये मोलिक्यूल हो गया एस ओ टू सल्फर डबल बोन्ड बनाता ऑक्सीजन के साथ सल्फर डबल बोन्ड ऑक्सीजन सल्फर डबल बोन्ड ऑक्सीजन राइट ये हो गया और यहाँ पे क्या होता बेटा एक

तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा ग्रेटर देन जीरो, तो किस टर्म में आ जाएगा दिस विल बी ए पोलर मोलिक्यूल कैसा मोलिक्यूल बन जाएगा बेटा इट विल बी ए पोलर मोलिक्यूल अगर कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल ए बी थ्री ए बी थ्री टाइप मोलिक्यूल है ए बी थ्री इस टाइप का मोलिक्यूल है नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे दे कोई दे। भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बच्चे ए बी थ्री टाइप मोलिक्यूल बेटा होने वाला है इस केस में हम क्या करेंगे जैसे कि आपका एग्जाम्पल है बेस्ट बोरोन बोरोन अब में आपको पता है पे प्लेनर ज्योमेट्री लाइक दैट तो आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली विल बी डायरेक्शन टूवर्ड फ्लोरिन टूवर्ड फ्लोरिन टूअर्ड फ्लोरीन एंड फिजिक्स में पढ़ते हैं हम दो वेक्टर क्वान्टिटी जो होती है उनका ये रिजल्टेंट बनेगा तो ये और ये डायपोल मोमेंट आपस में ये वाला और बेटा ये वाला डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाएंगे नेट डायपोल मोमेंट बिकम जीरो तो इट विल बी ए नॉन पोलर मोलिक्यूल कैसा बन जाएगा बेटा नॉन पोलर ठीक है अब इसी में इसी टाइप में बेटा अगर मोलिक्यूल तो ए है ए है हाँ बेटा सर एसओ में जैसे वो डाइपोल मोमेंट आ रहा है सल्फर से ऑक्सीजन वाला उसका भी तो रिजल्टेंट ऊपर वाले से कैंसिल हो सकता है नहीं नहीं बेटा कैंसिल क्यों नहीं होगा ये सिर्फ बेटा यहाँ पे लोन पेयर है यहाँ सिर्फ क्या है बेटा लोन पेयर है और यहाँ टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिफरेंस है इनका इन बिटवीन आएगा बट कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा पूरा okay. ठीक है ना बच्चे अगर एसओ होता ऊपर की तरफ भी होता फिर कैंसल आउट हो जाता तो हो सकता था ठीक है ना ठीक है ठीक है अब ए बी थ्री बेटा मोलिक्यूल है और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जहां पे लोन पेयर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे डायपोल मोमेंट में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास है अमोनिया एन एच थ्री एन एच थ्री ये आपके पास मोलिक्यूल है तो लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की तरफ यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की तरफ ये भी अपवर्ड तो नेट डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पूरा एड ऑन हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर मोमेंट ग्रेटर देन विल बी जीरो अब मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सॉरी यहाँ पे एच लिखिए दिस इज एच आपके पास एक है एन एक आपके पास है एन ठीक है एक आपके पास है बेटा बी एफ थ्री बी एफ थ्री ये वाला है और एक आपके पास है सी सी एल फोर बोला जी बताइए किसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर होगा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन दे दिए विच विल हैव हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग

सी सी में भी क्या हो जाएगा बच्चे सी सी में भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इट विल बी जीरो कैंसल आउट हो जाएगा जीरो ठीक है अब बच्चा एन एस थ्री एन ऐसे होगा H, H, H यहाँ पे लोन पेयर एन एफ ऐसे बनेगा F, F, F और यहाँ पे लोन पेयर होगा अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट अपवर्ड इसकी वजह से भी डायपोल मोमेंट अपवर्ड इसकी वजह से भी अपवर्ड इसकी वजह से भी अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन लोन पेयर की वजह से क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है बट फ्लोरिन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा नाइट्रोजन सॉरी फ्लोरिन फ्लोरिन तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ अपवर्ड में तो कैंसल आउट हो जाएगा तो थोड़ा भी सा एन एफ थ्री में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एन एस थ्री एज कंपेयर टू तो आपका सबसे मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका आ जाएगा एन एस थ्री विल हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट क्लियर बेटा पॉइंट ये एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव विल हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसकी मैक्सिमम डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी एक आपके पास है सी एस थ्री एफ एक आपके पास है बच्चे सी एस थ्री सी एल एक आपके पास है सी एस थ्री बी आर एक आपके पास है सी एस थ्री आई नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे ए ऑप्शन पे टिक करते हैं भी A का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है बट यहां पे बेटा एक्सेप्शन होता है इस वाले केस में क्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट फ्लोरिन वाले से क्या होता है इसमें ज्यादा तो इसका आंसर ये होता है बेटा एग्जैक्ट सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री एफ सी एस थ्री बी आर और सी एस थ्री आई ये यह यहाँ पे इसका बेटा करेक्ट ऑर्डर होता है डायपोल मोमेंट का तो जनरली बच्चे एफ फ्लोरीन वाले को टिक करते हैं बट आंसर क्या होगा छोटा होता है इसमें थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है फ्लोरिन में ये चीजें आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्लोरिन वाले का बेटा फ्लोरिन से क्या होगा ज्यादा होगा क्या पॉइंट क्लियर है बेटा ठीक है बच्चे देखो डायपोल मोमेंट वैसे क्या होता है चार्ज इन टू डिस्टेंस यहाँ पे इस पे चार्ज ग्रेटर है छोटा साइज है एक में चार्ज ग्रेटर है एक में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है एक में देखिए इस वाले में फ्लोरीन में क्या है चार्ज ज्यादा डिस्टेंस कम और क्लोरीन वाले में क्या है चार्ज कम डिस्टेंस ज्यादा तो वैसे तो इनमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है बट फ्लोरीन में थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है छोटा साइज होने की वजह से तो यहाँ पे क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरिन तो ये ऑर्डर आप याद रखना वट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है ये इन ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको तो फिलहाल इसको अपने माइंड में रखना बेटा कभी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन आता है तो आप क्या होगा क्लोरीन वाले का क्या हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आता है मान लीजिए ऑप्शन चार देता हूं मोमेंट एक सीएच थ्री सी एल दूसरा दिया बेटा सी एच टू सी एल टू सी दिया बेटा सी सी एल फोर किसका डायपोर मोमेंट ग्रेटर होगा बेटा जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ाते रहोगे डायपोर मोमेंट कम होता रहेगा सबसे ज्यादा डायपोर मोमेंट किसका होगा क्लोरीन का आपको पता सीसीएल फोर का तो वैसे ही जीरो होता है यू नो वेरी वेल सीसीएल फोर का तो अभी भी ऊपर बताया भी था इसका डायपोल मोमेंट तो वैसे ही जीरो होता है बेटा इट हैव मोमेंट जीरो बात समझ आई बच्चे क्लियर है पॉइंट ये यस सर yes, तो डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाते हैं बेटा दे विल कैंसिल आउट तो यहां पे डायपोर मोमेंट ज्यादा इसका रहेगा क्लियर है अच्छा एक और चीज पूछू मैं आपको जनरल आपको दे दिया एक तो दिया मैंने आपको एनएस थ्री एक दिया मैंने आपको एच टू ओ ठीक है एक दे दिया एच एफ एच एफ ये दे दिया और इनमें पूछ रहा है डायफोल मोमेंट बताइए कैसे होने वाला पहली बात तो ज्यादा कंपेरिजन दोनों में होती है ये तो पता ही एच एफ का ज्यादा होगा सबको पता का ज्यादा होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा वो आयनिक पोलर इनमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में जैसे ये हो गया यहां पर तीन हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, है। इनमें पूछा जाता है यहां पे देखो सेम है हाइड्रोजन ठीक है बेटा एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा शायद इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है मैं दोबारा करता हूं शेयर आपको आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा अभी बेटा स्क्रीन विजिबल है ओके okay. तो देखो बेटा देखो बेटा इन, ये दोन, इन दोनों में देखो हाइड्रोजन सेम है हाइड्रोजन सेम है अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस सबसे ज्यादा एच का उससे कम आपका एच टू ओ का और सबसे कम बेटा आपके पास है अमोनिया का तो ये इन तीनों का डायपोल मोमेंट होगा पहले दूसरे और तीसरे में अगर हम कंपेयर करते हैं दिस इज योर डायपोल मोमेंट ठीक है बेटा क्लियर okay. है बेटा पॉइंट यहां तक यस yes, अच्छा अब डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके डायपोल मोमेंट से रिलेटेड बन रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बनेंगे पहला क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन आपको एक तो ये दे दिया वन टू डाइक्लोरोबेंजीन एक दिया बेटा वन थ्री डाइक्लोरोबेंजीन ये है बेटा और एक आपके पास है बच्चे वन फोर डाइक्लोरोबेंजीन पूछ ले बताइए इनके अंदर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा या सबसे कम किसका होगा ये आपके पास सेट है वन टू थ्री ये सेट आपके पास तो देखो बेटा अब एक चीज देखिए ध्यान से यहाँ पे बेटा कार्बन है और ये क्लोरीन देखो ध्यान से मैं अलग बना रहा हूँ यहाँ पे कार्बन है ये क्लोरीन है यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे बढ़ा दू आगे थोड़ा सा देखो ये बेंजिन रिंग ऐसे है इनको मैं आगे बढ़ाऊ ऐसे और इसको आगे बढ़ाऊं यहाँ पे क्या लगा क्लोरीन यहाँ पे क्या लगा क्लोरीन इनके बीच का एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री ये एंगल यहाँ पे होता है सिक्सटी डिग्री यहाँ पे एंगल होता है वन ट्वेंटी डिग्री यहाँ पे एंगल होता है वन एट्टी डिग्री एक तो मैं ट्रिक बताता हूं आपको एंगल जितना ज्यादा होता है बेटा एंगल जितना ग्रेटर होगा पोलैरिटी मीन्स डायपोल मोमेंट उतना ही कम हो जाएगा इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा कम वैसे ऐसा क्यों ये फॉर्मूला होता है हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट निकालने का बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है पोलर है पोलर है वेक्टर क्वांटिटी है उनके बीच में डायपर मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा अब आपको पता है कोस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है कोस सिक्सटी ये होता है कोस सिक्सटी वन बाई टू कोस वन ट्वेंटी कोस वन ट्वेंटी की वैल्यू माइनस वन बाई टू और कोस वन एटी क्या होता है बेटा कोस वन एटी जीरो ठीक है जीरो होगा या माइनस वन होगा जीरो, हो तो जीरो माइनस वन, वन आएगा ना हाँ माइनस वन तो आप देख रहे हैं ये म्यू वन म्यू टू तो, तो सेम ही है क्योंकि ये भी कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है ये भी कार्बन क्लोरीन के बीच में ये भी कार्बन क्लोरीन तो चेंज क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है एंगल तो यहाँ पे आप एंगल देखेंगे जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है वैल्यू कम होती जा रही है प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस वन तो आप समझ सकते हैं डायरेक्ट याद रख सकते हैं एंगल जितना ग्रेटर होगा बच्चे उतना ही डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता जाएगा बेटा वैल्यू कम होती जाएगी क्लियर है बेटा पॉइंट स्टेप्स का क्वेश्चन कर देंगे सोल आपको अगर आता है तो हो जाएगा बेटा ठीक yes. है अब एक और बताइए क्वेश्चन में मुझे इसका आंसर कीजिए विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट यह यहां पे मैक्सिम की वजह कीजिए फॉलोइंग जीरो डायपोल मोमेंट कीजिए यहां पे। जीरो डायपोल मोमेंट आपको पहला ऑप्शन है दिस इज फर्स्ट ऑप्शन क्लोरीन क्लोरीन, बी ऑप्शन आपके पास है साइनाइड, साइनाइड, सी ऑप्शन है ओएच ओएच, डी ऑप्शन है मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं सॉरी हैव नॉन जीरो डायपल मोमेंट डायपोल मोमेंट ये बताइए आप इसमें और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज किसी का भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा हाँ जी बेटा आपका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बेटा देखो शाबाश देखो यहां पे क्या है ये दिस एंड देश। इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट डायपोल मोमेंट क्या हो गया जीरो देखो जो साइनाइड होता है बेटा इसको मैं अगर एग्जैक्ट तरीके से लिखू इसको और मैं इसको ऐसे बना के दिखा रहा हूं आपको इसको आप ऐसे शो कर सकते हो सी ट्रिपल बोंड नाइट्रोजन सी ट्रिपल बोंड नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा इट विल बी जीरो इट विल बी जीरो ठीक है अब यहां पे बताइए यहां पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा कि नहीं यहां पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा या नहीं यस yes, सर नहीं होगा क्यों नहीं होगा बेटा इसको समझिए क्यों नहीं होने वाला इसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको देखो बेटा इसमें क्या होता है एक्चुअल में इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं नीचे ये आपके पास है बेंजियन रिंग बेटा यह यहाँ पे ओ है यहाँ पे ओ है अब ओ के पास लोन पेयर होते हैं दो ऐसे से अवेलेबल और लोन पेयर की वजह से एच सीधा जाने की बजाय एच थोड़ा सा ऐसे होता है इसमें एच लाइक पे लोन पेयर होने की वजह से एच थोड़ा सा ऐसे होता है तो अब अगर देखा जाए ध्यान से कि अगर इसको देखो मैं इस बॉन्ड को ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है ये कार्बन है यहाँ पे और ऑक्सीजन इनका डायपोल मोमेंट ऐसे है यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन है डायपोल मोमेंट ऐसे है लेकिन इनके बीच में भी तो डायपोल मोमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहां पर भी तो डायपोल मोमेंट होगा दिस ऑल्सो विल कैरी डायपोल मोमेंट ठीक है थे? तो इसको जनरली थोड़ा सा ऐसे दिखाना उड़ता है इधर एच तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसका इधर है और इसका डायपोल मोमेंट क्या है इधर की साइड और इसका डायपोल मोमेंट ये तो इनकी वजह से डायपोल मोमेंट नोट इक्वल टू जीरो नोट इक्वल टू जीरो और यहां पे देखो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था कार्बन चार बोन्ड बनाता है चार ही बन सकते हैं कार्बन चार बोन्ड बना सकता है कार्बन फोर ही बन रहे हैं तो यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है बट जैसे ही लोन पेयर आया बेटा इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया जीरो नहीं है तो अब किसका क्या पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट तो आंसर विल बी सी sure. बात समझ आ गई बेटा क्लियर yes, है पॉइंट ये ठीक है एक और याद रखना बेटा एक सिस और ट्रांसफॉर्म होती है उस पर क्वेश्चन बनता है एक हमारे पास होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म जैसे ये वाला है वन, आ, यहां पे मान लीजिए मैं ले लेता हूं ये मोलिक्यूल ले लिया एक मोलिक्यूल मैंने ऐसे दिखाया बेटा कार्बन कार्बन है क्लोरीन 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 क्लोरी। यहां पर हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है ये डायपोल मोमेंट इधर है ये डायपोर मोमेंट इधर है बेटा इनका डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट डायपोर मोमेंट बिकम्स जीरो कौन सी फॉर्म है बेटा जो है ट्रांस फॉर्म ट्रांस और सेम साइड सेम ग्रुप अवेलेबल है तो कौन सी फॉर्म है बेटा सिस फॉर्म ये भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आती सिस और ट्रांस तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मींस ये नेचर वाइज कैसा है पोलर ये नेचर वाइज कैसा है नॉन पोलर और यही वजह होती है यही वजह होती है सिस का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ट्रांस सिस हैव हैव सिस देन ट्रांसफॉर्म देन ट्रांस फॉर्म ठीक है सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा बेटा ज्यादा रहेगा क्लियर है बेटा पॉइंट ये ये जो क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट के ये वाले ये किस पे किसके बेसिस पे आ सकते हैं दे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं आपको ध्यान ये रखना है बस जहां लोन पेयर आए लोन पेयर आते ही डायपोल मोमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा जिस पे भी डायपल मोमेंट लोन पेयर देखो यहाँ ये लोन पेयर है बट और कोई आइटम नहीं अकेला है यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास लीनियर है इसमें ये वाली जो जो ओ एच की दिस इज नोट लीनियर ये कुछ ऐसे बन गई ऐसे इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा चेंज हो गया ठीक है अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जब आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन देता हूं विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग जीरो डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट या कहते प्योर नॉन पोलर किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा पहला ऑप्शन सी ओ टू बी ऑप्शन बी ई सी एल टू सी ऑप्शन आपको दे दिया एनओ सॉरी एस ओ थ्री एस ओ थ्री दे दे दिया ऑल ऑफ दिस तो आई होप इसका आंसर आप दे सकते हैं इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें बेटा सीओ टू की ज्योमेट्री कैसी होती है कैसी ज्योमेट्री बेटा सीओ टू की लीनियर बीई सी एल टू की कैसे है बेटा लीनियर एसओ थ्री की कैसी है बेटा ऐसे प्लेनर तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएंगे कनेक्ट जीरो तो यहां पर भी जीरो यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा ऑल ऑफ दिस और जीरो किसका जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं बी एफ थ्री का बी एफ थ्री का इसका डायपोल मोमेंट भी क्या रहता है बेटा इट ऑल्सो विल कैरी डायपोल मोमेंट जीरो जीरो तो किसका ज्यादा है किसका कम है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर भी बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे कि कौन सा ज्यादा पोलर है कौन सा कम पोलर है जितना ज्यादा दो कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक्स क्या शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा मोलिक्यूल क्या होगा बच्चे उतना ही ज्यादा मोलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा दैट विल बी पोलर बिल्कुल ठीक है बेटा दैट विल बी ए पोलर मोलिक्यूल दैट विल बी ए पोलर मोलिक्यूल अगर दो कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता बेटा ग्रेटर देन वन पॉइंट सेवन आता है तो उसको बोलते हैं वो फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा आयनिक होता है क्या होता है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा सिक्सटी सेवेंटी एटी तो फिफ्टी परसेंट से ग्रेटर उसमें ग्रेटर उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर कैरेक्टर रहता है मीन आइने की तरफ वो ज्यादा मूव करता है एट्टी नाइनटी सिक्सटी सेवेंटी कुछ भी हो सकता है वो और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा कंबाइनिंग एलिमेंट में तो ग्रेटर क्या आएगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर क्या आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा वो कैरी करेगा फिफ्टी परसेंट से ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर और अगर मेरे बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू वन पॉइंट सेवन ही आ जाता है तो क्या होगा वो एंड फिफ्टी परसेंट आयनिक फिफ्टी परसेंट कोवेलेंट और फिफ्टी परसेंट क्या रहेगा वो आयनिक नेचर तो आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता है बाई चांस दिया है कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में वहां से भी बच्चे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा वी कैन फाइंड आउट पोलैरिटी ऑफ दूल बात समझ में आई बच्चे कोई दिक्कत नहीं है no, sir. तो ये dipole moment का concept अच्छे से clear हुआ numerical कैसे बन सकता है क्वेश्चन क्लियर हुए डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो नॉन पोलर है कोविलेंट तो है ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी दीज आर ओल क्वेश्चन अबाउट डायपोल मोमेंट क्लियर बेटा पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें no, ठीक है अच्छा एक चीज और है डायपोल मोमेंट के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ इट इज ए वैक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शनल इन नेचर वैक्टर क्वांटिटी होती है अच्छा अब मुझे बताइए आपका एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको इसमें से किसका डायपोल मोमेंट आप जीरो करने वाले हैं क्वेश्चन का आंसर आपने खुद करना है इसका विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग जीरो डायपोल मोमेंट विच ऑफ़ फ़ॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट जीरो डायपोल डायपोल मोमेंट मोमेंट किस किस का जीरो होने वाला बेटा आप खुद मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे पहला आंसर है पीसीएल फाइव ठीक है सेकंड ऑप्शन है एक्सई बी आर थ्री सी ऑप्शन है बेटा एक्स एफ टू ठीक है डी ऑप्शन आपका पी सी एल थ्री बताइए किसका डायपोल मोमेंट जीरो एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसमें आप मुझे आंसर कीजिएगा किस किस का है पॉसिबल शाबाश एक तो pcl5 एक तो pcl5 का बिल्कुल ठीक है pcl5 will have the dipole moment 0 क्यों क्योंकि देखो बेटा तीन क्लोरीन ये सेम प्लेन में है ये प्लेनर शो करेंगे ये प्लेनर है इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0 ये अबाउद प्लेन बिलोद प्लेन इनका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट बिल्कुल ठीक है एक तो pcl5 will have dipole moment 0 और किसका होगा बेटा सर srxf2 बिल्कुल ठीक है बेटा बिल्कुल सही फरमाया आपने एक्सई एफ टू ये हो गया एक्सई एफ टू इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी This will have linear दिस विल दिस लीनियर ज्योमेट्री लीन ये डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट ऐसे है ये ऐसे होगा तो इनका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा जीरो बाकी आपको पता है एक्सई बी आर थ्री यहां पर भी एक्स बी आर थ्री की ज्योमेट्री कैसी होगी देखिए एक्सई बी आर थ्री की ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है एक्सई बी आर थ्री सॉरी यहाँ पे चेंज कर लीजिए आप कीजिए एक्सई ओ एफ टू नोट एक्सई बी आर थ्री तो इसकी एक्सई बी ओ एफ टू की ज्योमेट्री कैसे बनेगी बेटा एक्सई ओ एफ टू ऐसे कुछ मिलेगी तो क्या यहाँ पे डायपोल मोमेंट आप जीरो कर सकते हैं yes, नहीं, नहीं कर सकते नो no, सर क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बट क्या ये कैंसिल होंगे इधर इधर लोन पेयर है है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या ये वाला कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं तो डायपोल मोमेंट क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो पीसीएल थ्री में तो आपको वैसे ही पता है बेटा पीसीएल थ्री की बात करें इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता ये इधर होगा ये इधर होगा ये इधर और इसकी वजह से ऊपर तो डायपोल मोमेंट इसमें भी जीरो के इक्वल नहीं आने वाला तो आपके पास कौन से डायपोल मोमेंट जीरो थे एक तो PCL5 फाइव और एक एक्स एफ टू तो आई होप अब अब ज्योमेट्री अगर हमें हमारे माइंड में क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से क्लियर है देन वी कैन फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट इज दैट ओके बच्चे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको विच ऑफ फॉलोइंग च ऑफ फॉलोइंग हैव प्योर कोवेलेंट नेचर प्योर कोवेलेंट नेचर इसकी कोवेलेंट नेचर आपकी प्योर है पहला मोलिक्यूल मैंने आपको ये दिया दिस इज योअर मोलिक्यूल ए ऑप्शन बी मोलिक्यूल मैंने दिया आपको दिस वन सी ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने आपको डी ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ अब मोलिक्यूल इसका प्योर कोवलेंट प्योर कोवलेंट का मतलब क्या होता है हम किसको प्योर कोवलेंट कंसीडर करते हैं नॉन पोलर बिल्कुल जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो एंड दीस आर नॉन पोलर मोलिक्यूल हाँ जी बेटा बताइए कौन सा होने वाला है ऑल ऑफ अबव फर्स्ट ट्रांस इट डायपोल मोमेंट जीरो बिल्कुल ठीक है इसका जीरो है बी को चेक कीजिए बेटा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बिल्कुल वेरी गुड बच्चे वेरी गुड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या आएगा जीरो आएगा बच्चा बेटा यस सर ठीक है इसका भी जीरो है नेक्स्ट पे आइए सी वाले पे सर ये भी जीरो वन एट्टी डिग्री तो कौन सा हो जाएगा बेटा दे विल बी ओके दिस तो ये आपका क्या होगा विच ऑफ फॉलोइंग हैव प्योर जीरो ऑप्शन आ जाएगा डी ठीक है तो बेटा आज इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे बस, क्योंकि फिर दो एक होंगे कल वाले में. एक तो का और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटा आई होप अब आप डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने में आ, एबल होंगे जितने भी डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन है मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बता दिए बेटा ठीक है अर्जु यस सर यस सर

ओके सर थैंक यू ओके बच्चे टेक केयर गुड नाइट गुड नाइट सर